शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच अगर आप भी शॉर्ट टर्म में मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आज इन शेयरों पर गौर कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अब निफ्टी के लिए 17,700 पर स्थित 200 DSMA पर अगला सपोर्ट दिख रहा है। ये बजट के दिन का निचला स्तर भी है। अगर निफ्टी इस सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब नहीं रहता तो फिर ये गिरावट 17,000 की तरफ बढ़ती दिख सकती है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,600 पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है और उसके बाद 17,700 से 17,800 के जोन में अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। बोनांजा पोर्टफोलियो के मितेश कारवा का कहना है कि इस बात की संभावना है कि निफ्टी आने वाले कारोबारी सत्रों में 17,200 से 17,100 की तरफ बढ़ता दिख सकता है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,700 से 17,750 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। वही एंजल वन के समीर चौहान का कहना है कि सबसे खराब सिचुएशन में निफ्टी को 17,000 से 16,700 के इंटरमीडिएट लेवल पर सपोर्ट हासिल होगा। उनका कहना है कि अभी हाल के लेवल्स पर नजर डालें तो निफ्टी 17,350 के करीब स्थित है, जो इसका 200 DSMA भी है। जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं फिसलता है तब तक इसमें रिकवरी की संभावना बनी रहेगी। ऑप्शन डेटा से संकेत मिलता है कि भारी उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी आगे हमें 17,200 के 17,700 बड़े और 17,200 से 17,600 के इमीडिएट ट्रेडिंग जोन में कारोबार करता दिखेगा। चलिए अब नजर डालते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे 10 स्टॉक्स पर जिनमें आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के सुभाष गंगाधरन की ट्रेडिंग पिक्स के बारे में। तो इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है गेल। गेल में इन्होंने 96 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 115 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह दी है। 3 से 4 हफ्तों में ही इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 438 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 375 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करे। 3 से 4 हफ्तों में ही इस शेयर में 10% रिटर्न मिल सकता है। और इनका तीसरा पसंदीदा स्टॉक है वेदांता। वेदांता में इन्होंने 305 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 280 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली की सलाह दी है। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 5% रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की पसंदीदा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पिक्स के बारे में। सबसे पहले इन्होंने चुना है TCS को। TCS में 3,580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 3,250 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करें। 3 से 4 हफ्तों में ही इस स्टॉक में 4.4% रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 86 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 75 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 10% रिटर्न मिल सकता है। अब अगर बात करें श्रीकांत चौहान के अगले पसंदीदा स्टॉक्स की तो ये है GNFC। GNFC में इन्होंने 520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह दी है। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 9% रिटर्न मिल सकता है। अगली शॉर्ट टर्म पिक्स है 5paisa.com के रुचित जैन की, जिन्होंने सबसे पहले चुना है पेट्रोनेट LNG को। इन्होंने पेट्रोनेट LNG में 211 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 239 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह दी है। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 8% रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के मितेश कारवा की ट्रेडिंग पिक्स के बारे में। तो इन्होंने सबसे पहले चुना है जोमैटो को। जोमैटो में 51.50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 65 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में ही इस स्टॉक में 19% रिटर्न मिल सकता है। इनका अगला स्टॉक है सीमेंस। सीमेंस में इन्होंने 3,050 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 3,610 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह दी है। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है क्रिलोस्कर इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में 2,110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2,430 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 10% रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।